देखा आपको, और कल आप देखा होगा कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सोनिया गांधी जी का वहाँ मौजूद रहना आप समझ सकते हैं कि मेरी ख्याल पहली बार मौका है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ में जो CPP की नेता हैं सोनिया जी वो बैठी और राहुल जी बैठे। तो आप विषय की गंभीरता को समझ रहा, पूरा बोल समझ रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि आप बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दो, आप और हम सब जो है जिनके बैंक में अकाउंट है, अब आधार कार्ड आने के बाद में लगभग पूरे देश के अंदर सभी गांव तक के अकाउंट खुल गए हैं। एक परिवार, एक व्यापारी छोटा बड़ा, बल्कि इंडस्ट्रीज भी क्यों नहीं हो, अगर किसी के बैंक खाते फ्रीज हो जाए तो कैसे व्यापार कर सकता है, कैसे वो परिवार चला सकता है, आप कल्पना कर सकते हो। ये मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है और इस सरकार को ले डूबेगा। आप बैंक अकाउंट सीज कर दिए, कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल पार्टी है, और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आंकड़े बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। सब कानून का सेक्शन होता है इनकम टैक्स के अंदर भी, उसके अंदर कल आप देखा होगा जो अजय माकन जी ने बात कही कि भाई जो धाराएं हैं उसके अंदर 10,000 रुपये के पेनल लग सकती थी, वो भी क्यों? आपको आश्चर्य होगा, पैसा जो है, पैसा 17-18 के अंदर असेसमेंट हुआ, उस वक्त में 199 करोड़ मिले थे पार्टी को, 199 करोड़ मिले थे, 199 करोड़ मिले, उसमें 14,40,000 रुपये नकद दे दिए गए, ठीक है, 14,40,000। पहले कानून था 20,000 रुपये तक आप दे सकते, नकद दे सकते हैं, मतलब 199 करोड़ में 14,40,000 से नकद आए उसके अंदर, बाकी चेक से या बॉन्ड आए जो भी आए होंगे। आप कल्पना करो कि पहले 20,000 रुपये नकद दे सकते थे कोई व्यक्ति, एक कानून बदल गया कि नहीं आप 2,000 तक की नकद दे सकते हैं। 1,000 लोगों तो जानकारी नहीं होती है, लोगों ने बैंकों में जमा करा दी, नकद जमा करा दिए, कितने कराए, सिर्फ 14,40,000 पूरे देश के अंदर, 199 करोड़ के अंदर सिर्फ 14,40,000 रुपये नकद हुए, वो 2,000 की सीमा से पार हो गए, 20,000 हो गए होंगे, 50,000 हो गए, पहले 20 का मालूम था, तो 20 तक तो कर सकते थे पहले, अब 2 तक आ गए, वो कानून मालूम नहीं पड़वाया लोगों को जिसे जमा कराए, तो 14,40,000 ज़्यादा जमा हो गए, नकद जमा हो गए बगैर 2,000 की सीमा को पार कर गए। मेन बात ये, इसके लिए भी सच मतलब अगर मान लो एक चूक हुई है और आप वो जेन्युइन नहीं मानते हो तो आप पेनल लगा दीजिए, 10,000 रुपये पेनल लगती है। ये समझ के परे हैं कि आपने जो है 285 करोड़ रुपये आपने फ्रीज कर दिए, कांग्रेस के करीब 11 बैंक खाते थे सबको फ्रीज कर दिए, उसमें यूथ कांग्रेस पैसे भी थे, NSU के भी थे, हम लोगों के भी थे, देश भर से मेंबर पार्लियामेंट ने या MLA ने जो फंड दिए थे, हमने एक बार दिया है 1,36,000 रुपया, देख जी ने हम सबने दिए हैं, जूली जी ने, जब मतलब 136 साल हुए थे कांग्रेस के, और उसके बाद में राजीव गांधी यात्रा थी 6,500-7,000 किलोमीटर की, तो 6,70,000 रुपये दिए हमने भी दिए, मैंने भी दिए, हम लोगों ने दिए, ये सब पहला इकट्ठा था वहाँ पर, उसको फ्रीज कर दिया आपने, ये कोई इंडस्ट्री का पैसा भी नहीं था। ये जो फ्रीज किया गया है ये इतना बड़ा क्राइम है, और सबसे बड़ी बात आप देखिए उसमें क्या किया इनकम टैक्स ने, खुद ने 115 करोड़ निकाल लिए, एक बार 75 करोड़ निकाले, फिर 60 करोड़ निकाल लिए, मतलब आप बताइए फ्रीज कर दिया, आप नोटिस देते, जवाब मिलता आपको, प्रक्रिया आगे बढ़ती, आपने 115 करोड़ रुपये जाकर के बैंकों में अपने इनकम टैक्स नाम करवा लिए पैसा, जो कोई रेयर होता होगा,
वो कर दिया आपने 115 करोड़ रुपये। तो ये जो आंकड़े हैं ये समझ के पहले भी 10,000 तक की पहले लग जाती मान लो, उसके बजाय आपने जो इस प्रकार का क्लाइम किया खुद ने, ये इनकम टैक्स ने खुद ने क्लाइम किया है, किसके इशारे पे किया है आप समझ सकते हो। बार बार नाम क्या ले, देश के अंदर जो लोकतंत्र हत्या ही हो रही है और मोदी जी के और अमित शाह के बगैर ऐसा है तो आप समझ सकते हो कि पता ही नहीं रहता है केंद्र में, पता ही नहीं रहता है। अब तो उनकी पार्टी वाले खुद ही कमेंट करने लगे हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है, ये स्थिति है कि एनएसयू के बच्चों ने तो बचत करके जमा पहले कहे होंगे, यूथ कांग्रेस लड़कों ने पैसे जमा कराए होंगे, सब पैसा सीट कर दिया गया। तो बहुत बड़ा रिएक्शन पूरे देश के अंदर है और आप समझ लो कि अब बैंकों में जो है जमा पैसा 100 करोड़ रुपये वो भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कोई को बहाना करके तंग करते हैं। तो ये मुद्दा ऐसा बना है देश के अंदर जिसमें अगर इसमें आज अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो आपका ये गोदी मीडिया, हम बार बार कहते हैं हमें भी संकोच होता है कि गोदी मीडिया क्यों कहलाता है। अगर मैं गोदी मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके, अगर अब भी नहीं दिख रहा आपको कि देश की दिशा में जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की तरह जा रहा है, चाइना की तरह जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, आगे चुनाव होंगे नहीं होंगे, होंगे नॉर्थ कोरिया की तरह होंगे या चाइना की तरह होंगे, रशिया की तरह होंगे, या एक पार्टी जो सरकार होती है वो तय करती कौन जीते कौन नहीं जीते। अब देखा पाकिस्तान में क्या तमाशा हुआ, तो हिंदुस्तान में कम से कम पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाते हैं, आज तक लगाते आए हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बार बार सैनिकों का शासन हुआ है, भुट्टो को फांसी हो गई प्रधानमंत्री को, और वहाँ पे कानून का राज नहीं रहता है। आप क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं ये मुल्क, ये आपको हमको एक चिंता का विषय होना चाहिए। कल राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी कि कोई अड़चन ही नहीं है, एक नेशनल पार्टी आपकी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर इतना बड़ा फैसला हो गया इनकम टैक्स का, इतना बड़ा अकाउंट फ्री हो गए, क्या इस देश में नेशनल मीडिया को आगे नहीं आना चाहिए? अरे कांग्रेस सरकार में होती और विपक्ष का हम लोग अगर इस पर की एक्टिविटी कर लेते हैं, प्रतिबंध लगा लेते, यही मीडिया हमारे खिलाफ इश्यू बनाता, और हमें भ्रम नहीं है मीडिया का महत्व बहुत बड़ा होता है, मीडिया के माध्यम से ही इश्यू बनते हैं। आज तक मैंने 50 साल की राजनीति करी है, जब मीडिया उठ खड़ा होता है तो पूरा देश जाग जाता है, भाई मीडिया क्या रहा, मीडिया की हमारे क्रेडिबिलिटी रही है। जैसे आजकल तो विजुअल मीडिया आ गया है, पहले प्रिंट मीडिया भी था, गांव में लोग भी पढ़ते थे, छपे हुए शब्दों को मानते थे, छपा हुआ है तुम क्या बात करते हो, बहस कर देते थे, कोई कहते नहीं गलत बात क्या बात करते हो तुम, गलत बोल रहे हो, मैंने छपा हुआ पढ़ा है, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी मीडिया की होती है। आज मीडिया की भूमिका जो है मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतिहास माफ नहीं करेगा मीडिया को भी, जब देश बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, इतिहास माफ आपको भी नहीं करेगा, जो मौन रहेगा उसको भी माफ नहीं करेगा। आज बहुत खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है, तब मैं कह सकता हूँ आपको, आप लोग भी देखते हो, अभी जो सोशल मीडिया जो है उसकी भूमिका शानदार है, उसको मैं बदल देना चाहता हूँ, जो लोग चला रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनको मैं बदल देना चाहता हूँ। आप उनके कान से कम एक वर्ग ऐसा देश के अंदर जो यूट्यूब के माध्यम से वो देख लेता है, बहुत बड़ी भूमिका हो गई उनकी, पर फिर भी गोदी मीडिया क्योंकि विजुअल मीडिया है उनकी अपनी भूमिका बहुत बड़ी है, उसको आगे आने की जरूरत पड़ गई है। अब तो उनके अंतरात्मा को जागना चाहिए, आपके गोदी मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन सबकी अंतरात्मा को मैं आवाज़ देना चाहूँगा, उनको जगाओ, देश को बर्बाद होने की तरफ जा रहा है उसको रोको, रोक सके तो रोक दो, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आज मैं सब सुनता हूँ मीडिया के बारे में प्लेटफॉर्म पर, इनको हो क्या गया है, मतलब कोई सोच नहीं सकता, सब कहते हैं कृपा करके अध्यक्ष जी अपनी बात कहेंगे, जोशी साहब कहेंगे, इतना मैं कहना चाहूँगा कि आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है,
संविधान की धज्जा उड़ रही है और बगैर कानून के राज के कोई सुरक्षित नहीं होता है।